राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने सीईटी के एग्जाम में जो कला संस्कृति से आए हुए क्वेश्चन थे उनके ऊपर अपने आज का सेशन रहेगा। इस सेशन में अपने पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला की रचना हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो अपने ध्यान रखना, वस्त्रराज के शासनकाल में ये रचना हुई थी। वस्त्रराज जो है ये गुजर प्रतिहार शासक है और गुजर प्रतिहार शासक वस्त्रराज के शासनकाल में ये रचना हुई थी। कुवल्यमाला जो ग्रंथ है, कुवल्यमाला ग्रंथ की अगर अपने बात करें तो कुवल्यमाला ग्रंथ को लिखा किसने था? उगोतन सूरी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा जाता है। उगोतन सूरी ने इस ग्रंथ को लिखा था और कब लिखा गया था? 778 ईस्वी के अंदर इस ग्रंथ को लिखा जाता है या 8वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो 8वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ को लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? उगोतन सूरी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था। कब? 8वीं शताब्दी के अंदर। इस ग्रंथ में ध्यान रखना कि देश की कुल 18 भाषाओं का, देश की कुल 18 भाषाओं का देश की कुल 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो देश की कुल 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र मरुभाषा का उल्लेख है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र मरुभाषा का उल्लेख है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र कौन सी भाषा का उल्लेख अपने को मिलता है? मरुभाषा का अपने को उल्लेख मिलता है। हरिवंश पुराण जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? जिन सेन सूरी के द्वारा लिखा गया। किसको लिखा गया? हरिवंश पुराण को लिखा गया। तो हरिवंश पुराण को जिन सेन सूरी के द्वारा लिखा गया। एक हरिवंश पुराण जो है ये डॉक्टर विनय सिंह से संबंधित अपने रचना रहती है। किससे संबंधित है? विनय सिंह से संबंधित अपने एक रचना रहती है। हरिवंश पुराण जो जिनसेन सूरी के द्वारा लिखा गया है उसे ध्यान रखना कि अपने किस नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ नेमी पुराण के नाम से भी जाना जाता है जो जिनसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना है, वस्त्रराज गुजर प्रतिहार के शासनकाल में कुवल्यमाला जो ग्रंथ है, इस कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी 778 ईस्वी 8वीं शताब्दी के अंदर। देश की कुल 18 भाषाओं को उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र किस भाषा का? मरुभाषा का उल्लेख है। और हरिवंश पुराण के अंदर जिनसेन सूरी ने रचना लिखी की है और एक डॉक्टर विनय सिंह की भी रहती है। जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की उसे वरिष्ठ नेमी के नाम से भी अपने जाना जाता है। अपना दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो क्या रहता है, जानकी लाल जो है किस लोक कला से संबंधित है? तो जानकी लाल जो है ये जानकी लाल भांड का जो संबंध है ये किससे माना जाता है? तो जानकी लाल जो भांड है इसका संबंध बहु रूपिया से माना जाता है। जानकी लाल भांड को मंकी मेन की इसे उपाधि है। और मंकी मेन की उपाधि इसे कब मिली, किस प्रकार से मिली? तो इसने बंदर का स्वांग रचा था लंदन की सड़कों पर, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे मंकी मेन की क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। किसको? जानकीलाल भांड को। जानकीलाल भांड को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड देने की क्या की गई है? घोषणा की गई थी। तो इन्हें हाल ही के अंदर पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। किसको? जानकीलाल भांड को। जानकीलाल जो भांड है ये अपने राजस्थान में कहां से संबंधित है? मांडल भीलवाड़ा से संबंधित है। तो मांडल भीलवाड़ा से संबंधित है कौन है? जानकीलाल भांड है। बहुरूपिया जो है, बहुरूपियाओं के द्वारा ध्यान रखना कि अपने जो नृत्य किया जाता है ये नृत्य कौन सा है? बहुरूपी एक जाति है, इसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, सवांग नृत्य किया जाता है। और ये सवांग जो नृत्य है ये अपने कहां का प्रसिद्ध है? मांडल का प्रसिद्ध है। और मांडल कहां पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। बहुरूपिया अनेक रूपों को धारण करने वाले को कहा जाता है। इसे सवांग नृत्य अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं और किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो भांड जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। किस जाति के द्वारा? भांड जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड है। इसके अलावा ध्यान रखना इसके अन्य कलाकारों की बात करें तो अन्य कलाकारों में एक इसका कलाकार आता है, धनरूप भांड आता है। इसके अलावा धनरूप भांड के अलावा ध्यान रखना
कि एक कलाकार इसका और आता है परशु भांड आता है, परशु भांड इसका एक प्रसिद्ध कलाकार और आता है। तो परशु भांड और धनरूप जो भांड है वो ध्यान रखना किससे संबंधित है, बहुरूपिया से संबंधित है। किससे संबंधित है अपने, बहुरूपिया से संबंधित है। तमाशा जो है ये कहां से संबंधित है अपने, जयपुर से संबंधित है। तमाशा एक लोक नाट्य है और कहां से संबंधित है अपने, जयपुर से संबंधित है। तमाशा ध्यान रखना कि एकमात्र लोक नाट्य है, एकमात्र लोक नाट्य जो खुले मंच पर किया जाता है, खुले मंच पर किया जाता है। और इसका मंच क्या है, अखाड़ा कहलाता है। तो इसका जो मंच है वो किस नाम से जाना जाता है, तो अखाड़ा के नाम से इसका मंच जाना जाता है। फड़ चित्रण की अगर अपने बात करें तो फड़ चित्रण अपने राजस्थान में शाहपुरा का प्रसिद्ध है, और शाहपुरा में किस परिवार का है, तो जोशी परिवार का प्रसिद्ध है। किस परिवार का है ये, जोशी परिवार का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण का जो जनक माना जाता है वो श्री लालजी जोशी को माना जाता है। किसे माना जाता है, श्री लालजी जोशी को माना जाता है। और श्री लालजी जोशी को फड़ चित्रण के लिए 2006 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो श्री लालजी जोशी को 2006 के अंदर कौन सा अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। नौटंकी की अगर अपने बात करें तो नौटंकी जो है ये राजस्थान में डीग की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, डीग की, ये ध्यान रखना, नौटंकी अपने प्रसिद्ध मानी जाती है। डीग व कामा की नौटंकी अपने ध्यान रखना सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस नौटंकी से संबंधित जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये एक तो ध्यान रखोगे भूरी लाल है, भूरे लाल व गिरिराज कामा के, ध्यान रखना कि गिरिराज जो है ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। नौटंकी से संबंधित एक अपने मंडली है, और ये मंडली कौन सी है, नाथू राम मंडली या नाथा मंडली है। तो नाथू राम मंडली जो है नौटंकी से संबंधित मानी जाती है। नौटंकी की एक महिला कलाकार और है मुस्तर बाई। मुस्तर बाई का अगर संबंध पूछा जाए तो किससे संबंधित है, नौटंकी से संबंधित है। मुस्तर बाई किससे संबंधित है, नौटंकी से संबंधित मानी जाती है। जानकीलाल भांड किससे संबंधित है अपने, बहुरूपिया से। मंकी मैन की उपाधि है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, और मांडल भीलवाड़ा से संबंधित है, बहुरूपिया से संबंधित है। ये मूल रूप से समान नृत्य से संबंधित है, मांडल भीलवाड़ा में। और जाति भांड कलाकार धनरूप भांड और परशु भांड है। तमाशा जयपुर का एकमात्र लोक नाट्य जो खुले मंच पर किया जाता है, और इसका मंच किस नाम से जाना जाता है, अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। फड़ जो है वो शाहपुरा की प्रसिद्ध है, जोशी परिवार प्रसिद्ध है, श्रीलाल जी जोशी को फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, ये जनक माने जाते हैं। 2006 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। नौटंकी डीग वह कामा की प्रसिद्ध है, भूरेलाल व गिरिराज जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार है। नाथुराम की मंडली प्रसिद्ध है, मुसर बाई जो है वो नौटंकी से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ध्यान रखना, इसी बहुरूपिया या समांग से संबंधित अपने एक नृत्य और आता है नाहर नृत्य आता है। नाहर जो नृत्य है ये अपने कहां का प्रसिद्ध है, मांडल का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य जो है ये क्या है, शेर के सिंगों वाला जो नृत्य है उसे नाहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। नाहर जो नृत्य है ये अपने इसका जो उद्भव है, ये उद्भव कब हुआ था, तो उद्भव शाजा के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, साजा के शासनकाल में इसका उद्भव हुआ था। किसका उद्भव हुआ था, नाहर का उद्भव हुआ। और कहां का प्रसिद्ध है, मांडल का, क्योंकि नाहर अपने किसे कहते हैं, शेर को कहा जाता है। तो जानकीलाल भांड का संबंध अपने आ चुका है, ठीक है। एक अपने क्वेश्चन आज का जो था वो ये क्वेश्चन था कि अपने हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई, गुजर प्रतिहार शासक जो था वस्त्रराज के शासनकाल में हुई थी। और वस्त्रराज जो है, वस्त्रराज जी ध्यान रखना क्या करता है कि कनौज जो है, कनौज को जीतने का प्रयत्न करता है बार बार। इससे पहले नागवट प्रथम का यह प्रयास था, और कनौज को की तरफ जाने वाला वस्त्रराज माना जाता है, ठीक है। नागवट द्वितीय के द्वारा कनौज पर अधिकार कर लिया जाता है ना। तो वस्त्रराज गुजर प्रतिहार के शासनकाल में कुवल्यमाला ग्रंथ को लिखा गया, और इसमें देश की कुल 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र कौन सी भाषा, मरु भाषा। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य की अगर अपने बात करें तो किसमें लिखा गया है, तो राजस्थानी साहित्य सर्वाधिक अपने बात की जाए तो मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। शैली पूछी जाए तो कौन सी है, डिंगल शैली में लिखा गया है। और किस समुदाय के द्वारा लिखा गया, तो चारण समुदाय के द्वारा लिखा गया है।
जान समुदाय के द्वारा लिखा गया है और मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। तो अपने कह सकते हैं कि मारवाड़ी ही मरु भाषा है। मारवाड़ी कौन सी भाषा है? मरु भाषा है। और इस भाषा की उत्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाए तो 8वीं शताब्दी में इस भाषा की उत्पत्ति हो गई थी। 8वीं शताब्दी में इस भाषा की उत्पत्ति हो गई। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो लैंग्वेज मानी जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी या मरु भाषा जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बोली मानी जाती है, भाषा मानी जाती है। सबसे प्राचीनतम बोली वह भाषा है। तो सबसे प्राचीनतम बोली वह भाषा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी को माना जाता है। तो ये अपने सीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से अपनी क्लास जो है कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास सीटी से संबंधित जो अपने एक सेशन जो स्टार्ट किया है, एक सीरीज जो स्टार्ट की है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अपने दो दो क्वेश्चन हर क्लास के अंदर करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कला संस्कृति से संबंधित है जो सीटी के 10 पेपर हैं, एक पेपर में अपने एवरेज भी अगर 10 से 12 क्वेश्चन माने तो 10 पेपरों के अंदर 10+2 और ग्रेजुएशन के अंदर 120 क्वेश्चन है। तो मतलब अपने बहुत इजीली आराम से अगर अपने करते हैं तो दो दो क्वेश्चन करना 5-10 मिनट जो निकालना वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हुए भी अपने इन क्लासों को देख सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं उस दौरान अपने इन क्लासों को देख सकते हैं। तो अपने दो क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से अपने को बाकी सब्जेक्टों की भी क्लास आपको इसी प्रकार से मिलेगी, जिससे आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा सीटी के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपने उनको तैयार करना है, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? और आप संकल्प के ऑनलाइन चैनल के साथ में जुड़े। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगती है तो जो अध्यापक 10-10 मिनट की जो ये क्लास दे रहे हैं वही एप्लीकेशन के अंदर है, तो आप संकल्प का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ठीक है? तो नेक्स्ट आपसे सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।